पर्यावरण की जागरूकता के लिए मालानी ढाका यूथ क्लब की ओर से वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण जनचेतना गडरा धौरीमन्ना से लोहावाट 9 दिवसीय 11वीं पदयात्रा सोमवार को भाकरा राम ढाका ने ध्वजा पकड़ा कर रवाना की। पदयात्रा का दूसरा दल को जम्बेश्वर मंदिर प्रांगण सदराम बेरी में पौधारोपण कर यात्रा की ध्वजा के साथ रवाना कराते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री अनंताराम बिश्नोई ने कहा कि आज के समय में पर्यावरण चेतना की जागरूकता आवश्यक है। यात्रा संयोजक श्रीराम ढाका ने बताया कि एक ही गोत्र के गडरा धौरीमन्ना कबूली गौड़ा शोभाला सदराम की बेरी से युवाओं एवं महिलाओं का करीबन 100 सदस्यों का दो दल विभिन्न जगहों पर पर्यावरण की जागरूकता का संदेश देते हुए 18 सितंबर को लोहावट पहुंचेंगे, जहां पर सती दादी मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्र में खुशहाली की मंगल कामना करेंगे। धौरीमन्ना क्षेत्र से करीबन 2 लोगों का 2 ग्रुप है, लोहावट के लिए पैदल यात्रा करते हैं। ये यात्रा हमारी पर्यावरण एवं जन चेतना के लिए है, वन्य जीव संरक्षण के लिए है। हम जहाँ से रवाना हुए वहाँ पौधरोपण किया है और जहाँ जहाँ हमारा विश्राम होगा वहाँ हम पौधरोपण करेंगे और वन्य जीव एवं पर्यावरण के संरक्षण का संदेश देते हुए 9 दिनों से सतीदादी धाम लोहावट पहुँचेंगे, जहाँ भव्य जागरण मेले का आयोजन होगा। हम सभी एक ही परिवार के लोग हैं, करीबन 100 लोग हैं जिसमें महिलाएँ बच्चे भी शामिल हैं, जो करीबन 9 दिन तक पैदल चलेंगे। ये हमारी 11वीं यात्रा है। हम हर साल आदिवासी चतुर्थी के दिन वहाँ मेला लगता है, उस मेले में जाते हैं और पर्यावरण का संदेश देते हैं। पदयात्रा के सह संयोजक रमेश कुमार ढाका ने बताया कि यात्रा के दौरान मार्ग में विभिन्न जगहों पर पौधारोपण तथा पर्यावरण जागरूकता के संदेश दिया जाएगा। सती दादी धाम लोहावाट में 18 नवंबर को रात्रि जागरण एवं 19 को ढाका भाईपास सम्मेलन एवं ढाका परिवार प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा।